देखो ये आ रहा है ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और यहाँ देखो सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और फ्रेश न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज जिस प्लेस पर मैं खड़ा हूँ ये उत्तराखंड की कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स की, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ये इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ से आपको ग्लेशियर रेंज नज़र आती है और 600 से भी ज़्यादा स्पीसीज आपको फ्लावर्स की देखने के लिए मिलती है। वाटरफॉल्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं एंड और भी बहुत कुछ। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, कितना टाइम लगेगा, क्या इसकी चार्जेस है, क्या इसकी टाइमिंग रहती है और बहुत कुछ इस व्लॉग में आपको मिलने वाला है। आप ज़रूर से लाइक कर देना जो अभी देख रहे हैं और शेयर कर देना जो इस प्लेस को देखना चाहते हैं या फिर जो आना चाहते हैं। अगर उत्तराखंड की सुंदरता देखना चाहते हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपसे कोई भी हमारा व्लॉग या वीडियो मिस ना हो। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट इन खूबसूरत सी वादियों के साथ। चलिए सो जब आप हेमकुंड साहिब यात्रा करते हैं तो उसी के बीच में फूलों की घाटी भी पड़ता है, और ये जो ट्रैक आप मेरे पीछे देख रहे हो ये ही जाता है सीधे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की ओर। और इसी के बीच में जो ट्रैक है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स का, फूलों की घाटी। ये देख सकते हो आप 4 किलोमीटर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री लेते ही आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें, उनको रीड करें। फूलों एवं अन्य किसी भी वनस्पति को छूना, तोड़ना तथा संग्रहण करना अपराध है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन कैमरा, स्मोकिंग, वाइन एंड फायर आर्म्स, पॉलीथीन स्ट्रिक्टली बैन है। ये बात आप याद रखें। अगर मैं आपको दिखाऊं हेमकुंड साहिब का ट्रैक जो गुरुद्वारा है वर्ल्ड हाईएस्ट, वहाँ दूर जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहे हैं वहीं पर है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। अगर आपको उसका व्लॉग देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। जून के मंथ में भी वहाँ पर फुल टू स्नो है बिकॉज वो गुरुद्वारा ग्लेशियर में है। और इसकी एंट्रेंस टाइम जो है देख सकते हो आप, ओपनिंग टाइम 7 AM एंड क्लोजिंग टाइम 12 PM। 12 बजे सर ये बंद हो जाता है, कोई एंट्री नहीं कर सकता। सो जस्ट आपको थोड़ा सा आगे आने पर ये एक फ़ी काउंटर मिल जाएगा जस्ट मेरे बैक साइड में, और यहाँ पर ये रिसिप्ट हमने ले ली है 150 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस एंड 600 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स। 3 डेज़ तक ये वैलिड रहता है ये एंट्री कार्ड। जहाँ आपने फर्स्ट डे किया 150 रुपीज़ दे दिया, अगर आप सेकेंड डे करते हैं तो 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आप जा सकते हो। सो जस्ट एंट्री ले ली हमने वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज। दोस्तों 2 किलोमीटर का तो आपको थोड़ी सी ट्रैक करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत है वो हाइट वाला, उसके बाद नॉर्मल है, सो इजीली आप कर सकते हो। सो ये देखिए, मतलब ये तो ना ये स्नेक की तरह लग रहा है बिल्कुल, मतलब देखने में भी। यहाँ पर ऐसी कई सारी स्पीसीज हैं फ्लावर्स की, प्लांट्स की बहुत सारी। और सबसे अच्छी बात देखो दोस्तों, धूप भी निकल चुकी है। कल हमने हेमकुंड साहिब ट्रैक किया था तो वहाँ पर तो पूरे दिन ही बारिश होती रही थी, तो बस ऐसा ही गया ट्रैक, लेकिन मज़ा बहुत आया, स्नो ही स्नो। सो देखो ये है ग्लेशियर, इसी को क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है। ऑल ओवर स्नो ही स्नो है, स्नो में से निकल रहे हैं देखो।
वैली ऑफ फ्लावर्स में जो घोड़े खच्चर है वो अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ आप जो पोनी पिट्ठू होते हैं उनके थ्रू तो यहाँ पर आ सकते हो। सो, ये देख रहे हो मतलब कैसा जंगल है ना ये, मतलब मुझको यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना किसी फॉरेन के जंगल में हूँ, मतलब कुछ अलग ही फील है यार यहाँ पर ना, इतनी शांति है और मतलब मेरे पे वर्ड्स नहीं है इस ब्यूटी को देखकर ना, वाओ लिटरली। चलते हैं और आगे, और मज़ा आने वाला है। मुझको वैसे ऐसा ही ट्रैक पसंद है जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, मज़ा वही है। देखो कितनी सुंदर जगह है ना, वाओ। वहीं जा रहा हूँ मैं भी, बिल्कुल पास से दिखाने वाला हूँ आपको ये उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी, वाओ। बहुत ज़्यादा तेज लहरें हैं बट लिटरली काफ़ी अमेजिंग प्लेस है। लेकिन ये तो अभी वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ ही शानदार नज़ारे हैं, और शानदार नज़ारे तो अभी आगे आने वाले हैं, बने रहे वहाँ तक। चलते हैं आगे। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ के नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और हमको जाने का आगे टाइम ही नहीं मिल रहा। ये देखिए फिर मेरे पीछे एक और वाटरफॉल, और ये भी काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं कैसे नज़ारे हमको मिलने वाले हैं इस वाटरफॉल के पास। ये रहा वाटरफॉल, कितना शानदार है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो, इस एरिया में कैंपिंग अलाउड नहीं है, आप किसी भी तरह से यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। जो आप वो ग्लेशियर देख रहे हो वही है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये आ रहा ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और यहाँ देखो कि ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे ना, ये देखो, और वहाँ देखो आप कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना। ये देखो पूरी स्नो ही स्नो, एंड वहाँ है वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी क्या है दोस्तों कि ये जो मंथ है ना ये फ्लावर्स वाला नहीं है, फ्लावर्स का जो मंथ होता है वो होता है 15th July to 15th August। तो हम तो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं यार, मंथ है मेरा, अब हेमकुंड साहिब आए हैं यहीं से ट्रैक है तो कर लेते हैं कवर। ये जो ब्रिज है इस पर ज़्यादा देर ना रुके, यहाँ पर मेंशन है, नोटिस बोर्ड है, कृपया पुल पर सावधानी से चलें और कोई फ़ोटो वगैरह ना क्लिक कराएं। पानी का बहाव काफ़ी तेज है आप देख सकते हो। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, और अब एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों बजपाजी के साथ। ये भी हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, आपने क्या है 10 ईयर्स में, और ये 6th क्लास में है अभी।
प्रारंभ फूलों की घाटी, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से फूलों को तोड़ने पर 5000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। अभी तो दोस्तों यहाँ पे ना ओनली ग्रीनरी है, बट जब पीक सीजन में आते हो ना तो यही कलरफुल वैली में चेंज हो जाती है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स। बताते हैं यहाँ से अगर आप करना चाहो तो बद्रीनाथ तक निकल सकते हो। तो अभी जहाँ पर मैं आया हूँ ना, यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लावर्स हैं, कुछ अभी उगने बाकी हैं। सो यही है। सो जस्ट आप देखिए, आप क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का फेस भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, वो आईज़ भी है और नोज़ भी है और बीयर्ड भी है। सो गाइज, ऑलमोस्ट हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर दिया है, बट आपको 4 किलोमीटर का पहले ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो स्टार्ट होगी। अच्छा लगा? हाँ। बहुत अच्छा लगा हम सबको भी आपके साथ। हमारे पास तो बिस्किट थे, मिल बांट के हमने खा लिया तीनों ने। अब वंशपा जी आपके लाए, हमारे लिए ज़रा दिखाओ। तो ये है इनकी तिजोरी, और देखो तिजोरी में क्या क्या है। मैं ऐसे इन्हें कर दूँ सबको, ये देखो ज़रा, हिंगोली। और वंश है फ्रॉम झांसी, और वंश अपने पापा के साथ आया, बट इनके पापा ना बहुत पीछे हैं। ये पल्स, ये हमको फॉलो कर रहे थे तो फॉलो करते करते हमारे साथ आगे आ गए। और जो भी हम खाएंगे उसे जिस तरह से लाए हैं उसे उसी तरह से अपने साथ कैरी करके लेकर जाएंगे। यही चीज़ आप भी फॉलो करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। नेचर को कुछ नहीं देना, बस इसे साफ रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है एक साथ। तो अभी तक वंश था हमारे साथ, अब वंश के पापा भी आ चुके हैं, वो रहे पीछे। हेलो हेलो। तो हमने तो बहुत देर तक रेस्ट कर लिया, अब थोड़ी देर और करते हैं अंकल जी के साथ। मेरा तो इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा, शांति इतनी है। और मेरा भी मन नहीं है जाने का। हाँ। और मेरा बार बार आने का मन है इस जगह को। आएंगे। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ये वैली ऑफ फ्लावर का सीज़न नहीं है तो मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों, पीक सीज़न इसका होता है जुलाई टू सितंबर, तो उससे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, गाइडलाइन दे दी है, पूरी डिटेल्स दे दी हैं, तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपकी हेल्प के लिए पहले ही ये व्लॉग बना रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए। सो दोस्तों, यही था एक ब्यूटीफुल व्लॉग, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आज के व्लॉग में तो दोस्तों इतना ही। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कोई आपको डाउट हो तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, इसको आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी यहाँ पे आ सकें, इस सुंदरता को देख सकें, यहाँ का लुत्फ़ उठा सकें। और ऐसे ही हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव, ब्यूटीफुल व्लॉग्स इन फ्यूचर भी आप देखना चाहते हो तो उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर उत्तराखंड की ऐसी ही सुंदरता देखना चाहते हो। और चलिए, हम मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसी किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हर हर महादेव, जय श्री केदार, बाय बाय।